नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम फिर हाजिर हैं छत्तीसगढ़ की 20 बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों को सौगात, प्रयागराज के लिए फरवरी में नई फ्लाइट। छत्तीसगढ़ में घरेलू विमान सेवा को बड़ा झटका लगा, एयर उड़ीसा की सेवा हुई समाप्त। भेज्जी थाना प्रभारी सस्पेंड, SDOP को निलंबित करने की सिफारिश। 1 लाख के इनामी समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जोगी और मायावती के करिश्मे पट्टी की भाजपा की उम्मीदें। छत्तीसगढ़ में वोट डालने से पहले मंत्री ने पोलिंग बूथ और EVM की पूजा की, आयोग ने भेजा नोटिस। राज्य में एक पिता ने कर्ज लेकर खरीदा था रिकर्व धनुष, अब बेटा चीन में खेलेगा ओपन वर्ल्ड सीरीज। छत्तीसगढ़ में भिलाई के देवराजहाल में मिला विस्फोटकों का जखीरा, 14 बंडल जेनरेटर फ्यूज समेत 111 किलो एक्सप्लोसिव जब्त। रायपुर से जगदलपुर तक चलने वाली फ्लाइट बंद, पीएम मोदी ने की थी शुरुआत। सीएम डॉक्टर रमन सिंह का दावा, 65 से अधिक सीटें जीतेगी BJP। छत्तीसगढ़ कंवर समाज ने गोहिरा गुरुजी को किया नमन। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 225 पदों पर होंगी नियुक्तियां, जल्द करें आवेदन। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दोनों चरणों को मिलाकर 76% से ज्यादा हुआ मतदान। सौदान पहुंचे तेलंगाना डॉक्टर रमन सिंह, कल जाएंगे दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए, अब MP और राजस्थान में जाएंगे मंत्री। रायपुर स्कूल के स्वयंसेवकों ने स्वच्छता का दिया संदेश। रायपुर में बैंक से 2.47 करोड़ की ठगी, एक नाइजीरियाई गिरफ्तार। मिस छत्तीसगढ़ बनी रायपुर की रूबीना खान। अंडर 16 टीम के लिए 30 खिलाड़ियों के नाम जारी, बोन टेस्ट आज रायपुर में। रायपुर में जीप पलटी, 6 लोग हुए घायल, चालक फरार। टोल प्लाजा में कर्मचारियों ने मांगे पैसे तो पीटा, CCTV में कैद हुई दुर्घटना। ये थी दिन भर की 20 बड़ी खबरें। हम हर रोज लेकर के आते हैं छत्तीसगढ़ की 20 बड़ी खबरें। लगातार जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर वीडियोज़।